हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज देखने जा रहे हैं अपना लास्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जैसे कि हम देख चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में अबाउट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑल्सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो हमने कल डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट दी सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका प्रिपरेशन बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी लेक्चर सीरीज में आप गो थ्रू कीजिए एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ओके सो एन का प्रिपरेशन देखा था बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ओके बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन एन ए सी एल विच इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन सोल्यूशन दिस इज आर ब्राइन सोल्यूशन जिसमें हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म किए थे आर एन एच एंड लेते हैं अपना कल के लेक्चर का दूसरा इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो हमने किया था वॉस सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जिसको हमने क्या बोला था वॉशिंग सोडा इसके बाद हमने क्या देखा इसका प्रिपरेशन देखते हैं इसका प्रिपरेशन बाय एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने जो प्रिपेयर किया है ब्राइन सोल्यूशन लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर हम सीओ टू गैस को पास ऑन करते हैं और फिर हमारा वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस हो जाता है इसी वॉशिंग सोडा को लेकर हम क्या करते हैं अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है एन ए एच मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके आपको जरूर पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड द फॉर्मूला ऑफ

2 2, 2 क्या कर देते हैं Cancel out, क्रिस मारते हैं मारते हमारा formula आ जाता okay, है है मुझको करना कार्बोनेट बनाना है कार्बोनेट बनाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है co2 टू गैस हमें पास ऑन करानी होती है हमने लिया अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं अपना लाइम वाटर ओके लाइम वाटर आपसे कोई पूछता है कि लाइम वाटर देना थोड़ा सा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्या बोल के आना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दो ओके सो लाइम वाटर में क्या करना है सीओ टू को पास ऑन करना है क्या बन जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है ओके okay. अब क्या करते हैं दूसरी प्रिपरेशन दिस इज आर प्रिपरेशन नंबर वन Preparation number two में हम क्या कर कर सकते सकते हैं? हैं. किसी भी का क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए पे कार्बोनेट तो हमें एक का लेना पड़ेगा ना? तो हमने क्या ले लिया, तो लिया सोडियम कार्बोनेट जो हमने लास्ट अभी प्रिपेयर किया है इन प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा है ना तो अब क्या करते हैं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड लिया है हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया साथ में क्या ले लिया सोडियम कार्बोनेट ले लिया कौन सी रिएक्शन देखी जाएगी डबल डी रिएक्शन क्या होता है डबल डी रिएक्शन में हम अपने क्या करते हैं एनायंस को एक्सचेंज कैल्शियम लेके निकल लेगा कार्बोनेट को क्या बना लेगा अपना कैल्शियम कार्बोनेट कौन रह जाएगा बीच में एन ओके okay, तो यहाँ से हम अपना क्या प्रिपेयर कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं दो मेथड्स हमने देखे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें हमने क्या क्या बोला एक बार हम क्या करते हैं लाइम वाटर के अंदर डायरेक्टली सी ओ टू गैस को पास ऑन करते हैं और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने क्या ले लिया डबल डी रिएक्शन कराने के लिए हमने लिया अपना क्लोराइड एंड दोडियम कार्बोनेट और वी कैन से दी सोडा. Okay. क्लियर बहुत अच्छे से okay. चलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, सुना होगा आपने क्या बोल सकते हैं इसे चौक अगर मैं बोलती हूँ चौक का फॉर्मूला बताओ तो क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सो प्रेसिपिटेटेड चौक इज यूज इन

पाउडर सो so, कितने कितने यूजेज है वी कैन सी चौक इज अगेन यूज इन पेंट एंड इन डिस्टेम्पर्ड ओके सो इट इज अगेन यूज इन पेंट डिस्टेम्पर्स मार्बल अब इसको और भी क्या बोल सकते हैं किसमें यूज कर सकते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम यूज कर सकते हैं इसे मार्बल में मार्बल का फॉर्मूला भी हम क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ओके सो मार्बल को किसमें यूज करते हैं इन यू यूज एन बिल्डिंग पर्पसेज और इन द प्रोडक्शन ऑफ सीओ टू कैस ओके क्लियर हो गई बात ठीक है एक बार देख लेते हैं अपना पूरा प्रिपरेशन ठीक है बात कर रहे हैं अपने आज के पहले सॉल्ट की कौन सा सॉल्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिख लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में क्या होगी दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी होगी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं चौक बोल सकते हैं इसको मार्बल बोल सकते हैं अगर चौक होता है ये तो हम इसको किस में यूज कर सकते हैं हम इसको यूज कर सकते हैं पेंट्स में और प्रेसिपिटेटेड चौक के हमने और भी यूजेस देखे अधेसिव इंडाइजेशन एक्सेट्रा मार्बल भी कह सकते हैं तो हम इसे किस में यूज कर सकते हैं बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हैं ना ओके सो बिल्डिंग्स में या फिर जहाँ पे भी हमारे मार्बल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी हार्ड मटेरियल्स वी कैन यूज आर मार्बल ओके सो दिस वॉज अबाउट दी यूज़ेस ठीक है अब बात करते हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे दैट इज दिपरेशन प्रिपरेशन मैंने कैसे करी है किसकी कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम कार्बोनेट मुझे बनाना था तो मैंने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा कैल्शियम का एक सॉल्ट तो मैंने क्या ले लिया कैल्शियम क्लोराइड ले लिया ओके अब मुझे क्या चाहिए कार्बोनेट तो कोई कार्बोनेट ले लो कैल्शियम का लोगे तो नहीं हो पाएगा तो हमने सोडियम का कार्बोनेट ले लिया ठीक है Na2CO3 ओहो ओके okay, अब क्या करा सकते हैं हम डबल डी रिएक्शन अगर यहाँ से हम अपनी डबल डी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है यहाँ से हमारा फॉर्म हो जाता है एन ई सी ओके जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है बट ये हमारा क्या है साइड प्रोडक्ट है अलोंग विद दैट हमारा क्या बन जाता है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज कैल्शियम का कार्बोनेट जिसकी हमें जरूरत है ओके okay? जिसकी प्रिपरेशन के लिए हमने पूरी रिएक्शन करी है दैट इज आर कैल्शियम

फर्स्ट सॉल्ट हमने आज की क्लास का स्टार्ट किया है कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट ओके चले अपनी नेक्स्ट सॉल्ट की प्रिपरेशन पे ओके okay. अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट की जिसका फॉर्मूला क्या होता है सी एओ सी एल टू और हम क्या बोलते हैं उसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड दैट इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड सी ए सी एल टू सुना होगा आपने नाम ब्लीचिंग पाउडर ठीक है ब्लीचिंग पाउडर जब भी हम बोलते हैं फॉर्मूला क्या बोलना है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड सी ए सी एल टू सेकेंड सॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम सॉल्ट सेकेंड हम बात कर रहे हैं किसकी ब्लीचिंग पाउडर की क्या फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का सी ए ओ सी एल टू ओके सेकेंड सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की इसके यूजेस की प्रिपरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं इसे अगेन हमने क्या लिया अपना लाइम वाटर और उसमें हमने पास करी है क्लोरीन गैस हमने क्या लिया अपना लाइम वाटर अगेन और अब हमने उसमें क्या पास कर दी है क्लोरीन गैस क्या बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विद वाटर मोस्ट इंपोर्टेंट साथ-साथ नोट्स बनाते चलने हैं पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा इफ़ यू डोंट राइट इन केमिस्ट्री फॉर लर्निंग दी रिएक्शन ऑलवेज अगर आपको लर्न करना है अगर आपको टिप्स पे चाहिए अपनी रिएक्शन यू शुड ऑलवेज मेक नोट्स एंड देन रिवाइज एम थरोली ओनली बाय राइटिंग ओके सो दिस इज दी प्रिपरेशन फॉर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ओके अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैसा दिखता है ये ब्लीचिंग पाउडर इट इज पेल येलो पाउडर हैविंग स्मेल ऑफ क्लोरीन क्लोरीन ऐड करने से इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इसके पास क्या होती है येलो कलर का ये पाउडर होता है हैविंग दी स्मेल ऑफ क्लोरीन ओके ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट डिस्पेयरिंगली सोल्यूबल इन वाटर और अगर हम इसे इसको हम क्या करते हैं पानी में डिजोल्व करते हैं तो हमें एक मिल्की सस्पेंशन मिल जाता है पहली प्रॉपर्टी क्या देखी इट हैज द्मेल ऑफ क्लोरिन है ना और दूसरा पॉइंट क्या होता है अगर हम इसे पानी में डिजोल्व करते हैं तो हमें एक मिल्की सस्पेंशन मिल जाता है ओके अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन का टेस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या मिल जाता है यहाँ पर अगर हम इसके एक्वे सोल्यूशन का टेस्ट करते हैं तो कैल्शियम का सॉल्ट क्लोराइड का एंड OCL नेगेटिव सॉल्ट हमें मिल जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज दी प्रिपरेशन अब देखते हैं इसके यूजेस एज ब्लीचिंग एजेंट ब्लीचिंग पाउडर है तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं एज ब्लीचिंग एजेंट ओके एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल पेपर एंड जूट इंडस्ट्रीज इट इज यूज एज एन ऑक्सीडेंट एंड एज अ डिस इनफेक्टेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन तो आप कर ही लेंगे साथ में कुछ बेसिक यूजेस है हर पर्टिकुलर सॉल्ट के जो आपको ध्यान रखने हैं ओके सो दिस वॉज आर सॉल्ट नंबर टू दैट वॉज द ब्लीचिंग पाउडर ओके अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट की दैट इज कैल्शियम सल्फेट बात कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मूला क्या लिखते हैं सी ए एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ और इसे हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड जिप्सम ओके जब हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या हो टू मॉलिक्यूल्स दो पानी के क्रिस्टल साथ में मौजूद होंगे हम उसे क्या बोलेंगे जिप्सम ओके सो केमिकल फॉर्मूलाइज सी एसओ डॉट टू एच टू ओ अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए जिप्सम एंड पीओपी दोनों पे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पोटा पोते हैं हर साल ओके सो कैल्शियम सल्फेट इज वॉट सी ए एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ दैट इज आर जिप्सम ठीक है बात करते हैं अब इसके प्रिपरेशन की अब हमें कैसे प्रिपेयर करना है हमने क्या लेना है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली हमें कैल्शियम सल्फेट बनाना है तो कैल्शियम का एक सॉल्ट लेंगे ले लिया हमने कैल्शियम क्लोराइड सल्फेट बनाना है तो H2SO4 ले, ले लेंगे या फिर सोडियम का भी सल्फेट हम ले सकते हैं सिंपली क्या करा के आएंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और बीच में एच सी एल ओके सो दिस इज द फॉर आर सॉल्ट विच इज द कैल्शियम सल्फेट ऑल्सो कॉल्ड दिप्सम ओके सेकेंड प्रिपरेशन में देखो यहाँ पे क्या करना है कैल्शियम सल्फेट ही बनाना है तो कैल्शियम का क्या ले लो क्लोराइड सल्फेट के लिए क्या ले लो सोडियम सल्फेट पोटाशियम सल्फेट एनी सल्फेट यू कैन टेक अप बेसिकली आपको क्या करानी है डबल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन करानी है और सॉल्ट का एक्सचेंज हो जाएगा क्या बन जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट जिसको हम क्या बोल के आते हैं जिप्सम ओके okay. यूजेस देख लो अब फॉर दी मैन्यूफैक्चर ऑफ पी ओ पी प्लास्टर ऑफ पैरिस सीमेंट अमोनियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली सल्फेट के सॉल्ट जैसे कि अमोनियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड में बनाने में काम आता है सीमेंट और पीओपी ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके यूज ऑल्सो इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग ब्लैक बोर्ड चौकस ब्लैक बोर्ड चौक्स बनाने के लिए भी हम कैल्शियम सल्फेट को यूज करते हैं ठीक है क्लियर है यूजेस दोनों ओके okay. सौ so, देखते हैं आपने दोबारा ठीक है अब बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखा हमने कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ठीक है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड में हमने क्या देखा हमने लिया था अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर हमने क्या पास करी क्लोरीन गैस पास करी और हमें क्या मिल गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिल गया इसके अंदर क्या थी स्मेल ऑफ क्लोरीन ठीक है मैं बार बार क्यूँ लिखवा रही हूं ये अलग से बिकॉज प्रिपरेशन ही है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखनी है यूजेस तो आपको जनरली भी पता होते हैं चीजों के ठीक है सो दिस इज अगेन कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसके बाद हमने किसकी बात करी जिसको हम क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं तो आप इसके यूजेस तो लिखी लोगे कि ब्लीचिंग एजेंट है टेक्सटाइल में इंडस्ट्रीज में एक्सेट्रा ओके okay. बात करते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट कील्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ जिसको मैंने क्या बोला जिसको हमने बोला, बोला जिप्सम और ये हम किस किस में यूज कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड चॉक्स बनाने में यूज करते हैं हम इसे और अपना सल्फेट के सॉल्ट बनाने में भी हम अपने जिप्सम को यूज कर सकते हैं ओके अब क्या है फॉर्मूला है सल्फेट तो जो बनाना है उसे यहाँ पे लिख लो कैल्शियम सल्फेट क्या करोगे डबल डी कम्पोजिशन कैल्शियम का क्या ले लो क्लोराइड ले लो सल्फेट के लिए क्या ले लो कोई भी सल्फेट ले लो और क्या करा दो यहाँ से डबल डी रिएक्शन एन ई सी एल और हमारा कैल्शियम सल्फेट जिप्सम सॉल्ट क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा ओके सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन फॉर क्लियर हो गई है बात, सारी reactions को बहुत अच्छे से हमने लिखकर भी देख लिया है अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है यू सबको विजिबल है देख लीजिए एक बार ओके बात करते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट की विच इज आर लास्ट सॉल्ट जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं अपना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ओके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना क्या फॉर्मूला याद रखेंगे सी एसओ फोर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब आधा मॉलिक्यूल पानी का ठीक है हेमी हेमी से क्या याद रखोगे आधा मॉलिक्यूल पानी का आधा मॉलिक्यूल ये वाला फॉर्मूला हम रिटेन करने वाले हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए और इसको क्या बोल के आते हैं पी ओ पी सब ने सुना होगा जब हम घरों में अपने क्या कराते हैं कंस्ट्रक्शन अपने पूरा हाउस होल्ड एक्टिविटीज में क्या यूज कर सकते हैं पीओपी जब हमारी क्या होती है वॉल्स की बिल्डिंग हम कराते हैं सो वॉट इज यूज पीओपी क्या फॉर्मूला लिख कर आना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ वॉटर का क्रिस्टल ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन देखते हैं अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी प्रिपरेशन हमने क्या करना है जिप्सम जो हमने बनाया था अपना लास्ट स्लाइड में हमने अपना

पी पी बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट वाटर ये तो टू आगे लिख लो फॉर्मूला में ठीक है यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट अगर आपको ये लर्न नहीं होता तो डायरेक्टली ये लिख कर आएंगे ओके दोनों एक ही बात है या तो आप क्या लिख लो ट्वाइस ऑफ डायरेक्टली कैल्शियम सल्फेट डॉट वाटर अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप ये वाले को प्रेफर कर लो कंफ्यूज नहीं होना या तो आप क्या लिखोगे कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर क्योंकि नाम में हेमीहाइड्रेट है और अगर आपको टू वाला फॉर्मूला याद रखना है तो सिंपली ऑफ कैल्शियम सल्फेट डॉट वाटर ओके दोनों क्लियर है ठीक है सो नाउ दी लास्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर अपने आज लास्ट स्लाइड पे देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है बार बार हम लिख रहे हैं डॉट एच टू ओ डॉट एच टू ओ डॉट टेन एच टू ओ ये क्या फॉर्मूला है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम किसको बोल रहे हैं ओके सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम किसको बोल रहे हैं इट इज डिफाइन एज द फिक्स नंबर इट इज डिफाइन एज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो फिक्स रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं उसका उस कंपाउंड का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो चेंज नहीं होंगे जैसे अगर हमने क्या बोला वॉशिंग सोडा Na2CO3 इसके साथ क्या रहता है टेन एच टू ओ तो ये टेन जो हमने लिखा है टेन मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के ये हमेशा हमने क्या कर दिए फिक्स कर दिए किसके लिए वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला के लिए ये फिक्स नंबर है जो एक यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा में हमेशा होंगे ही होंगे एक वॉशिंग सोडा के यूनिट में टेन वाटर मॉलिक्यूल्स हमें हमेशा मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सो डेफिनेशन क्या है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट अगर हम बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है जैसे हम क्या लिखते हैं सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू ओ ये क्या होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है जैसे हम क्या बोलते हैं ब्लू भी बोलते हैं तो अब इस कॉपर सल्फेट में जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे हम हमेशा क्या मेंशन करते हैं पांच मॉलिक्यूल्स पांच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें एक यूनिट में किसकी कॉपर सल्फेट की ओके सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ऑलवेज सी यू डॉट फाइव एच टू ओ ओके सिमिलरली टेन वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा कभी भी बात करेंगे वॉशिंग सोडा की तो उसमें कितने प्रेजेंट होंगे हमेशा टेन वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि क्या कर दिया है हमने फिक्स कर दिया है वाटर मोलिक्यूल्स को ऐसे ही हम और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने चिप्सम का फॉर्मूला देखा जिसमें हमने क्या लिए थे टू वॉटर मोलिक्यूल्स लिए थे क्लियर हो गई है बात सो so, एट द लास्ट क्या देखते हैं अपना हमने जो अपने लास्ट सॉल्ट देखे हैं जिप्सम और हमारा पीओपी उसको भी एक बार देख लेते हैं देन विल वाइंड अप दी सेशन सो अब इसके बाद हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारा जिप्सम देख लिया कि हमने जिप्सम यहाँ पे ओके okay, जिप्सम देख लिया लास्ट सॉल्ट हमारा कौन सा है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे करेंगे अभी जो हमने अपना जिप्सम बनाया है क्या जिप्सम बनाया ये वाला इसको क्या कर रहे है? उठा के हीट कर दो सी एसओ इसे हीट कर दो हीट भी कैसे करो याद रखो टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट कर दो तो हमारा क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा पीओपी -पी. ओके प्लास्टर ऑफ पैरिस जिसको मैंने क्या बोलना है या तो टू क्या लिखूं सी डॉट एच टू ओ यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस या फिर जो फॉर्मूला हमने याद करा है डायरेक्टली हेमीहाइड्रेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स या तो ये याद करेंगे या फिर ये याद करेंगे कंफ्यूज नहीं होने वाले ऐसे हीटअप करके हम अपना पीओपी को बना सकते हैं एंड दिस इज प्रिपरेशन व्हिच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो दिस वाज अबाउट आवर लास्ट सॉल्ट जो हमने अपना देख लिया इन दी प्रिपरेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आई होप आपको क्लियर होगा सो दिस वॉज आर इन दा चैप्टर सो आपको कोई भी डाउट हो जरूर मैंशन कीजिए और आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना है आप चाहते हैं कोई और टॉपिक स्टार्ट करना डू मैंशन ओके एंड आई सी यू इन दी नेक्स्ट सीरीज ऑफ सम अदर चैप्टर थैंक यू सो मच टे ट्यून विद अर चैनल